हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी सीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए बेस्ट फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चंस का सीरीज, जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम्स में मिलने वाले हैं, नो डाउट। दोस्तों, आप बस आत्मविश्वास पूर्वक डेली बेसिस मेरे साथ बने रहिए। ये सेट सी का अभ्यास 3 है। इस प्रकार के 16 से 17 सेट हैं, प्रत्येक सेट में 10 से 12 अभ्यास हैं और 6 से 7 हज़ार क्वेश्चंस का पूरा सेट है। दोस्तों, मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, चाहे यूपी एलटी ग्रेड हो, एमपी टेट हो, अदर स्टेट का टीजीटी पीजीटी हो, सभी के लिए सभी प्रकार के टॉपिक मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। टॉपिक वाइज थ्योरी सेशन पूरा मैंने कंप्लीट कराया है एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी कंप्लीट कराया गया है। वन लाइनर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन सभी का प्रैक्टिस कराया गया है और मैं आप डेली बेसिस पे आपको सभी प्रकार के क्वेश्चनों का सम्मिलित रूप लेकर के इस प्रत्येक सेट में डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करा रही हूँ। आप अपना स्कोर चेक कीजिए डेली बेसिस पे। तो समय नष्ट न करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस है दोस्तों कि अन्य विधाओं के समान दर्शन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। उक्त विचार व्यक्त किए हैं। अन्य विधाओं के समान दर्शन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है, इस बात को किसने कहा है? इस बात को कहा है रसल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं के शाश्वत स्वरूप को जानना ही दर्शन है। यह कथन किसका है? दोस्तों, यह कथन है प्लेटो का। प्लेटो ने कहा है कि वस्तुओं के शाश्वत स्वरूप को जानना ही दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथार्थ के स्वरूप को ढूंढने का तर्कसंगत प्रयास ही दर्शन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है राधा कृष्णन का, सर्वपल्ली राधा कृष्णन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 गामक युग्मताओं का योग जो कि क्रमशः ताकत, चाल, सहनशीलता, लचीलापन एवं समन्वय युक्ता है, तो यह क्या कहलाती है? दोस्तों, जैसा कि मैंने स्पोर्ट ट्रेनिंग के अंतर्गत इन 5 कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में बताया हुआ है, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, कोऑर्डिनेशन, ये 5 हैं आपके फिजिकल फिटनेस के अंतर्गत आते हैं। और फिजिकल फिटनेस को 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, एक मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। तो ये जो 5 है आपका स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, कोऑर्डिनेशन, ये मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस है, लेकिन आते हैं फिजिकल फिटनेस के अंतर्गत। यदि 2 भाग में डिवाइड करके देगा, हेल्थ रिलेटेड मोटर स्किल, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस एंड मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, तो ये जो 5 कंपोनेंट्स है आपका मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में हो जाएंगे, लेकिन आते हैं फिजिकल फिटनेस यानी शारीरिक दक्षता के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी की खेल प्रदर्शन का विकास खेलों की गामक क्रियाओं या गतियों के माध्यम से ही संभव है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों, यह प्रक्रिया कहलाती है तकनीकी कौशल यानी कि टेक्निकल स्किल। नेक्स्ट है, कुछ तत्व क्रमशः प्रतियोगिता नियमों का ज्ञान युक्तिपूर्ण कौशल एवं युक्तिपूर्ण योग्यता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों, यह प्रक्रिया जो है युक्तिपूर्ण क्षमता कहलाती है। टैक्टिक्स, जो खेल के दौरान हम एकाएक युक्ति बनाते हैं, उसको कहते हैं टैक्टिक्स, ठीक है, युक्तिपूर्ण क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी का प्रदर्शन कुछ सीमा तक उपरोक्त 3 कारकों के साथ साथ शरीर रचना एवं शरीर की योग्यता पर निर्भर करना है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया दोस्तों शिक्षा या व्यक्तित्व का विकास कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल ट्रेनिंग का मुख्य कार्य खिलाड़ी के
संपूर्ण व्यक्तित्व विकास का करना है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों, व्यक्तित्व का विकास आपका मनोविज्ञान के अंतर्गत आ जाता है, तो यह आपका हो जाएगा खिलाड़ी की मनोवैज्ञानिक ट्रेनिंग के क्षेत्र में कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल ट्रेनिंग की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि खिलाड़ी की दिनचर्या नियमित की जाए, यह प्रक्रिया कौन सी है? तो यह आपकी प्रक्रिया हो जाएगी दैनिक दिनचर्या नियंत्रण। जैसा आपका दैनिक दिनचर्या नियंत्रण रहेगा, आपका जो सफलता है उतना ही अच्छा होगा किसी भी क्षेत्र में। नेक्स्ट है, खेल ट्रेनिंग प्रशिक्षक के द्वारा योजनाबद्ध, नियमित तथा मूल्यांकित किया जाता है, यह सिद्धांत कौन सा है? तो यह सिद्धांत है खेल के शारीरिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्य। जो खेल का शारीरिक प्रशिक्षण होता है, वह एक प्रशिक्षक के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से नियमित रूप से मूल्यांकित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौसिखिया यानी जो न्यू प्लेयर होते हैं एवं एडवांस खिलाड़ी, इन दोनों की प्रशिक्षण में विभिन्न वैज्ञानिक विधियों एवं सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, यह कौन सी प्रशिक्षण कहलाएगा? तो दोस्तों, यह वैज्ञानिक प्रशिक्षण यानी साइंटिफिक ट्रेनिंग कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल प्रशिक्षण का मूल्यांकन यानी इवेल्यूशन और योजनाबद्धता, क्रमबद्धता एवं अनुप्रयोग प्रशिक्षक या खेल प्रशिक्षक एवं खेल विशेषज्ञ के द्वारा किया जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों, यह प्रक्रिया कहलाती है खेल प्रशिक्षक नेता के रूप में, यानी स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर एज ए लीडर के रूप में वो कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग वह पुरातन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश की ओर लाता है, तो यह कथन किसका है? तो दोस्तों, यह कथन है राधा कृष्णन का, डॉक्टर राधा कृष्णन का, कि योग वह पुरातन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश की ओर लाता है, इन्होंने कहा है राधा कृष्णन जी। नेक्स्ट है, हम सभी अनंत शक्ति के स्वामी हैं और योग हमें इसी भक्ति के रहस्य से परिचित कराता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है योगी रामचरक का। नेक्स्ट है, योग एक ऐसी विधि है जिसे अपनाकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है तथा अपनी जीव आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ सकता है, यह परिभाषा, इस विचार को किसने व्यक्त किया है? दोस्तों, तो यह है आपका वेदों में ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट है, योग हिंदू जाति की दार्शनिक ध्यान अवस्था व संन्यासवाद की वह प्रणाली है जिसमें भक्त को परमात्मा के साथ मिलन का मार्ग बताया जाता है, यह परिभाषा किसका है? यह ऑक्सफोर्ड शब्दकोश का कोश में यह कहा गया है, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में यह कहा गया है। नेक्स्ट है, परम देव के साथ एकात्व की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना तथा इसे प्राप्त करना ही सब योगों का स्वरूप है, यह कथन किसका है? यह कथन है श्री अरविंद का। नेक्स्ट है, जिन साधनों से आत्मा की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है वह योग कहलाता है। जिन साधनों से आत्मा की सिद्धि होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है यह योग कहलाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है जैनचार्यों के अनुसार इस बात को कहा गया है। नेक्स्ट है, अनुकूलता, प्रतिकूलता, सफलता विफलता, यश अपयश, जय पराजय, सिद्धि असिद्धि, इन समस्त भाषाओं में आत्मस्थ रहते हुए स्थिर रहना ही योग है, यह कथन किसका है? दोस्तों, यह कथन है पतंजलि योग दर्शन का, यह बात कहा गया है पतंजलि योग दर्शन में। भारत के प्राचीन इतिहास में किस काल को शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल कहा जाता है?
तो भारत के प्राचीन इतिहास में महाकाव्य काल को शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछेगा तो महाकाव्य काल शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल होगा, और पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में पूछेगा तो उत्तर एथेंस काल जो है वो आपका स्वर्ण काल कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस काल में हिंसा के कारण शारीरिक शिक्षा का विकास अवरुद्ध हुआ, तो यह जैन और बौद्ध काल में। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में महर्षि पतंजलि में किस ग्रंथ द्वारा अष्टांग योग की प्रतिष्ठा की, तो इन्होंने योग सूत्र में अष्टांग योग की बात कही है। अष्टांग योग के अंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन है शारीरिक विकास, व्यक्ति का स्वास्थ्य विकास, वृद्धि एवं विकास। तो उपरोक्त सभी आपका उद्देश्य है, यहाँ पे उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों का दर्शन क्या है, तो शारीरिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों का दर्शन है आदर्शवाद। दोस्तों यहाँ पे उपयोगितावाद दिया है, बट यहाँ पे सही आंसर होगा आदर्शवाद ही शारीरिक शिक्षा में मेन भूमिका अदा करता है आइडियोलॉजी में। नेक्स्ट है निम्न में से किसने मशाल को एथेंस ओलंपिक खेलों के स्थल तक लाने की प्रथा को शुरू किया था, तो वह कार्ल डाइम ने इस प्रथा को शुरू किया था। नेक्स्ट है ओलंपिक ध्वज की बनावट निम्नलिखित में किस प्रकार की होती है, तो दोस्तों जो ओलंपिक ध्वज की बनावट होती है वह बिना किनारे वाली सफेद प्रतिष्ठा दुधिया कलर की, केंद्र में ओलंपिक प्रतीक चिन्ह होता है, 5 कलर के 5 रिंग उसमें होते हैं, नीला, पीला, काला, हरा, लाल। ओलंपिक ध्वज की बनावट रचना जो है 1913 में पियर डी कुबर्टिन ने किया था, और सबसे पहले फहराया गया था 1920 एंटवर्प ओलंपिक में। नेक्स्ट है प्रथम ओलंपिक खेल किसके नियंत्रण में खेले गए थे, तो दोस्तों प्रथम ओलंपिक खेल वह किंग जॉर्ज प्रथम के नेतृत्व में खेला गया था। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस के पैराथोनिक स्टेडियम में किंग जॉर्ज प्रथम के नियंत्रण में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा कथन सत्य होगा। ऑप्शन है सारे प्रतिभागी सदस्य महिलाएं थीं, सारे प्रतिभागी सदस्य ग्रीक थे, सारे प्रतिभागी सदस्य पुरुष थे, सारे प्रतिभागी रोमन के थे। तो दोस्तों जो आपका सारे प्रतिभागी सदस्य महिलाएं थीं, तो महिलाएं सारे प्रतिभागी नहीं थीं, ये गलत है। सारे प्रतिभागी सदस्य ग्रीक के थे, ये भी गलत है, क्योंकि प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल समस्त विश्व के लिए हुआ था, प्राचीन ओलंपिक खेल केवल में था कि पहले ओनली ग्रीक वाले ही भाग ले सकते हैं, बाहर के नहीं। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ग, सभी सारे प्रतिभागी सदस्य पुरुष थे, क्योंकि महिलाओं को ओलंपिक में शामिल किया गया 1900 पेरिस फ्रांस में, उसके पहले सब प्रतिभागी पुरुष ही हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिया में खेले गए ओलंपिक खेलों में किसके सम्मान में महिलाएं पृथक प्रतियोगिताओं में सम्मिलित हुई थी, तो वह देवी हेरा के सम्मान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीक भाषा में एथलीट का क्या अर्थ है, तो दोस्तों ग्रीक भाषा में एथलीट का अर्थ है पुरस्कार के आकांक्षी, एस्पिरेशन ऑफ अवार्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ओलंपिक खेलों में यह पता लगा कि बेहतर प्रदर्शन के लिए नशीली दवाओं का सेवन किया जा रहा है। तो दोस्तों 1960 रोम में पहला केस पाया गया, न्यूड जॉनसन उसका नाम था और उसने रोनिकल और एम्फिटामाइन नामक उत्तेजक पदार्थ ले रखा था। और सबसे पहले डोपिंग की जांच का प्रारंभ हुआ तो वह 1968 मैक्सिको सिटी ओलंपिक में। डोपिंग टेस्ट सबसे पहले कब किया गया? 1968 मैक्सिको सिटी ओलंपिक में। नेक्स्ट दोस्तों, स्टेनोजोल नामक जिस औषधि का कनाडा के खिलाड़ी बेन जॉनसन ने 1988 सियोल ओलंपिक खेलों में दुरुपयोग किया था वह है, तो जो स्टेनोजोल होता है दोस्तों वह आता है आपका एनाबोलिक स्टेरॉयड के अंतर्गत। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस डोपिंग के अंदर कौन कौन से पदार्थ आते हैं, तो एनाबोलिक स्टेरॉयड के अंतर्गत आपका स्टेनोजोल आता है। यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन बन सकता है कि बेन जॉनसन ने 1988 ओलंपिक में कौन सा दवा ले रखा था, तो स्टेनोजोल। स्टेनोजोल नहीं रहेगा तो आपका एनाबोलिक स्टेरॉयड राइट हो जाएगा। तो एनाबोलिक स्टेरॉयड जो है वो खेल की दुनिया में सबसे अधिक डोपिंग के रूप में प्रयोग होता है और इसका शॉर्ट में नेम होता है AAS, यानी एनाबोलिक एंड्रोजेनिक एनाबोलिक स्टेरॉयड। एंड्रोजेनिक का मतलब होता है पुरुष तत्व यानी मस्कुलाइजिंग, एनाबोलिक स्टेरॉयड का मतलब है टिश्यू बिल्डिंग यानी उत्तकों का निर्माण। यह दोस्तों क्या करता है कि वसा की मात्रा इसमें कम हो जाती है, पेशियों की जो ताकत व सहनशीलता में वृद्धि और सक्रियता आती है और मानसिक रूप से अपने को मजबूत समझने लगता है, और स्त्री द्वारा सेवन करने पर उसमें पुरुष तत्व के गुण और आवाज भारी और दाढ़ी मूछे आने लगती है। इसके अंतर्गत कौन कौन से एजेंट्स आते हैं, जैसे कि इसमें है नेड्रोलोन, स्टेनेजोल, टेस्टोस्टेरोन एंड ट्रेनवेलोन, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, मिटेनोलोन, टेट्राहाइड्रेजेस्ट्रिनोन, स्ट्राइनोन। यानी दोस्तों आपको एक ट्रिक इस्तेमाल करना है जिसमें लास्ट में ओन से शुरू हो, वहाँ पे आपका जितने भी होंगे आपका एनाबोलिक स्टेरॉयड के अंतर्गत आएंगे। मांसपेशियों की ताकत को बिल्ड कर देता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है ऑनसेट ऑफ ब्लड लैक्टेट एल्यूमिनेशन OBLA, रक्त में दुग्ध लवण यानी लैक्टिक एसिड के संचयन का आक्रमण का एक नाम यह भी है। तो दोस्तों वह क्या नाम है, यहाँ पे क जो है वायुजीवी और सीमा एरोबिक नहीं हो सकता, एयरबोन नहीं हो सकता, आपका ऑप्शन नंबर ख आपका करेक्ट होगा, वात निरपेक्ष और सीमा, वात निरपेक्ष और सीमा। लैक्टिक एसिड जो है जब हम कोई क्रिया करते हैं तो एक समय पे हमारे अंदर जो ऊर्जा होता है वो खत्म हो जाता है, जिससे जो हमारी ऑक्सीजन जो है कम हो जाती है, ऑक्सीजन एकाएक कम हो जाती है, तो उस दौरान जो हमारा शरीर होता है ऊर्जा नहीं बना पाती है, उस समय हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है। अक्सर यह अनएरोबिक मिजाजे होता है छोटे समय की क्रियाओं में, क्योंकि जो अनएरोबिक क्रिया होती है उसमें जो हमारे शरीर में स्टोर ऊर्जा होता है उसका उपयोग करता है, जो ही स्टोर ऊर्जा खत्म होता है तो हमारे शरीर में ऊर्जा खत्म हो जाती है, जिससे लैक्टिक एसिड बनने लगता है। कुछ समय के लिए हम रेस्ट लेते हैं तो ऑक्सीजन ज़्यादा ग्रहण करते हैं तो पुनः ऊर्जा बनने लगता है, तो कुछ क्षण के बाद पुनः हम ऊर्जावान हो जाते हैं। और एनएरोबिक में क्या होता है कि वह धीमी रफ्तार से क्रिया यानी इंटेंसिटी कम होती है, लंबे समय की क्रिया होती है, सहनशीलता वाला क्रिया होती है, उसमें जो है हमारे शरीर में जो फैट जमा होता है उससे एनर्जी प्रोवाइड कराता है यानी एनर्जी बनता रहता है, तो उसमें लैक्टिक एसिड कम जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक स्वापक यानी कि नार्कोटिक्स है। दोस्तों नार्कोटिक्स एक नशीली दवा है जो दर्द निवारक है, यानी इसको करियर एडिंग इंजरी भी कहा जाता है। यह क्या है कि
यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नार्कोटिक्स है, तो नार्कोटिक्स के अंतर्गत यहाँ पे ड्यूरेटिक्स से एक अलग प्रकार का डोपिंग के अंतर्गत आता है। ड्यूरेटिक्स जो है वो भार को कम करने में मदद करता है। यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा ऑफिम पॉपी, क्योंकि जो नार्कोटिक्स है वो पॉपी नामक पौधे पॉपी प्लांट से निकले हुए ऑफिम यानी ओपियम से तैयार किया जाता है। यह जो नार्कोटिक्स है सबसे ज्यादा दर्द निवारक प्रभाव छोड़ता है, पेन किलिंग इफेक्ट छोड़ती है। ये दवाई एथलीट के चोटों से उत्पन्न दर्द को बहुत कम या समाप्त करने के लिए प्रयोग होता है। यह उन खेलों में सबसे अधिक प्रयोग होता है जिनमें दर्द होने की संभावना ज्यादा होती है, जैसे कि वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग आदि। एक बात यह आपको ध्यान में रखना है कि यह एर्गोजेनिक दुर्ग के नहीं माना जाता है। क्वेश्चन आएगा कि कौन इसमें एर्गोजेनिक दुर्ग नहीं माना जाता है और एर्गोजेनिक औषधि, तो आपका नार्कोटिक्स राइट रहेगा। फिर भी इसका ज्यादा प्रयोग हानिकारक हो जाता है, जैसे कि दोस्तों भारोत्तोलन में भार उठाते समय क्षमता से अधिक भार उठाने का प्रयास करता है, क्योंकि दर्द होता नहीं है तो क्षमता से अधिक भार उठा लेता है। इससे क्या हो जाती है कि पेशियां टूट जाती हैं, जिससे इस चोट को हम कैरियर एंडिंग इंजरी कहते हैं। 1963 में बाल्टीमोर कोर्स की मृत्यु हो गई थी इसी दवा के सेवन से, क्योंकि उसको अंदाज नहीं रहता है कि कितना हमारा क्षमता है, और दर्द नहीं होता है तो क्षमता से ज़्यादा वो भार उठा लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, मतलब पेशियां फट जाती है। तो 1963 में बाल्टीमोर कोर्स की मृत्यु इसी के सेवन से हुआ था। आपको ध्यान में रखना है कि नार्कोटिक्स के अंतर्गत कौन कौन सी दवाएं आती हैं, मॉर्फिन, हेरोइन, पैथिडिन, एल्फाप्रोडाइन, एलिलेरिडाइन इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछता है कि कौन नार्कोटिक्स के अंतर्गत कौन कौन से हैं, तो आपको याद रहेगा तभी आप उसका सही आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की गति को इस रूप में भी परिभाषित किया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घ। क्या है कि प्रति मिनट हृदय के सिकुड़न यानी सिस्टोलिक की संख्या को हृदय के गति के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि जब बायां निलय आपका संकुचित होता है तो एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी से एरोटा से होता हुआ समस्त शरीर में रक्त को भेजा जाता है, शुद्ध रक्त को। तो यहाँ पे प्रति मिनट हृदय के सिस्टोलिक यानी सिकुड़न की संख्या को हम हृदय की गति के रूप में परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी व्यायाम के दौरान रक्त की आपूर्ति किस तरफ होती है, तो जब हम भारी व्यायाम करते हैं तो रक्त की आपूर्ति जो है स्केलेटल मसल्स यानी अस्थि पंजरी पेशी कंकाली पेशी की तरफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन रक्त द्वारा ले जाया जाता है, तो दोस्तों एंजाइम, ऑक्सीजन, हार्मोन्स ये सभी रक्त के द्वारा ही संचरण करते हैं हमारे शरीर में, तो इनमें से सभी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध कार्य विशेषकर हैवी वेट प्रशिक्षण के बाद पेशी मात्रक की वृद्धि को कहते हैं, तो दोस्तों जब हम नियमित व्यायाम करते हैं तो हमारी मांसपेशियां मजबूत और लंबी और ज्यादा कार्य करने वाली होती है, तो वो उसको हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी। और जब बिना व्यायाम के उचित पोषक तत्व न मिलने के कारण पेशियां छोटी और कमजोर हो जाती हैं तो उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफी। लेकिन जब भारी प्रतिरोध के कारण, हैवी प्रशिक्षण के कारण आवश्यकता से अधिक उसमें वृद्धि हो जाती है तो उसे हम कहते हैं अति वृद्धि, ओवर ग्रोथ हो जाता है, हाइपरट्रॉफी, अति हाइपरट्रॉफी हो जाता है। तो यहाँ पे अति वृद्धि आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाबोलिक स्टेरॉयड सीधे प्रभावित करते हैं, तो दोस्तों एनाबोलिक स्टेरॉयड जो है पेशियों को सीधे प्रभावित करते हैं। यह पेशियों की जो सहनशीलता ताकत होती है इसको बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। नेक्स्ट है, FIMS का पूरा नाम क्या है,
तो इसका पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डी मेडिसिन डू स्पोर्ट्स। नेक्स्ट है उपास्थि, जो अस्थि शिराओं पर अधिक बल पड़ने से बचाव करती हैं, क्या कही जाती हैं? तो वो दोस्तों कही जाती हैं पारभासी अस्थि, यानी कि ट्रांसल्यूसेंट कार्टिलेज उसको बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए दो तीन बार कि उपास्थि जो अस्थि शिराओं पर अधिक बल पड़ने से बचाव करती है उसे क्या कहा जाता है? पारभासी उपास्थि, यानी कि ट्रांसल्यूसेंट कार्टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में लंबी अस्थियों का क्या कार्य है? तो दोस्तों शरीर में लंबी अस्थियां उत्तोलक के रूप में कार्य करती हैं। नेक्स्ट है टार्सल बोन, जो टखना और उसके ऊपरी भाग की हड्डी होती है, का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों जो हमारा टखना में टार्सल बोन होती है वह हमारे शरीर को खड़े होने में, बैलेंस बनाने में शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोवियल ज्वाइंट, यानी एक ऐसी झिल्ली वाला जोड़ जो हड्डियों के बीच में तरल पदार्थ रखती है और उसके कारण वह जोड़ या ज्वाइंट हिलता डुलता है, यह किसका उदाहरण है? तो दोस्तों यहाँ पे साइनोवियल ज्वाइंट में आपका एल्बो ज्वाइंट भी आ जाएगा, नी ज्वाइंट भी आ जाएगा, शोल्डर ज्वाइंट भी आ जाएगा, ये सभी आपके साइनोवियल ज्वाइंट के ज्वाइंट है। यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। हमारे जोड़ हड्डियों के जोड़ों पर साइनोवियल द्रव होता है जो हमारे गति को आसान बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की मांसपेशियां लंबी अवधि वाले कार्य में थकान से बचाती हैं? तो दोस्तों जैसे कि हमारे मांसपेशी तंतु जो है दो प्रकार की होती है, व्हाइट मसल फाइबर एंड रेड मसल फाइबर। जो व्हाइट मसल फाइबर होती है वो फास्ट ट्विस्ट होती है, यानी जल्दी जल्दी सिकुड़ती है, एंड जो रेड मसल फाइबर होता है वो स्लो ट्विस्ट फाइबर होती है, धीरे धीरे सिकुड़ती है। तो जो व्हाइट मसल फाइबर है, फास्ट ट्विस्ट फाइबर है, वह अनैरोबिक क्रियाएं छोटे समय की क्रियाओं में ज़्यादा क्षमता प्रदान करती हैं, जबकि जो रेड मसल फाइबर है, जो स्लो ट्विस्ट फाइबर है, वह सहनशीलता यानी एरोबिक क्रियाओं में ज़्यादा यूज होती है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि मांसपेशी लंबी अवधि की बात कहा है, तो सहनशीलता वाले कार्य हो गया, और जिसमें थकान से बचाती है तो वो होती है आपका रेड मसल फाइबर, मंद ऐठन वाली। तो यहाँ पे मंद ऐठन वाली ऑप्शन नंबर सी ग आपका करेक्ट हो जाएगा, मंद ऐठन वाली पेशी तंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन पेशियों के कारण संधियां मुड़ जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों दो प्रकार के होती हैं पेशियां हमारे, आकुंचनी और प्रसारणी। तो जो हमारे संधियां मुड़ जाती हैं तो मुड़ने का काम आकुंचनी पेशी करती है और फैलाने का काम प्रसारणी पेशी करती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर वन करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, आकुंचनी यानी कंट्रैक्शन, आकुंचनी यानी कि कंट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल उत्पादन लेकिन तंतु प्रवधान का एक अन्य नाम यह भी है। तो दोस्तों इसको कहते हैं उत्केंद्रीय पृष्ठ, यानी कंसेंट्रिक फेज भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइफोसिस का एक अन्य नाम यह भी है। तो दोस्तों काइफोसिस जो होता है उसको एक कूबड़ है जो हमारा पीठ बाहर की तरफ निकल जाता है, इसको काइफोसिस बोलते हैं। काइफोसिस को कुबड़, राउंड बैक, हंच बैक आदि नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ग, गोल पृष्ठ यानी राउंड प्लेन, क्योंकि जो बाहर की तरफ पीठ निकल जाती है तो एक गोल आकार की हो जाती है, इसको हम कहते हैं काइफोसिस या कुबड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुबड़ापन को यह भी कहा जाता है। तो कुबड़ापन को हम
काइफोसिस बोलते हैं। तो दोस्तों ये था आपका 50 क्वेश्चंस का सीरीज। सभी क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी किसी क्वेश्चंस में डाउट होगा या कोई फॉल्ट दिखता होगा आपको तो कमेंट में बता सकते हैं, मैं सभी डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। एंड इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।